काफी कुछ चल रहा है यार, मतलब लोगों ने हल्के में ले लिया है। नहीं, आरआर और ट्विटर की बात नहीं है, लोग हल्के में ले लिए हैं। पॉइंट ये है कि थोड़ा हम लोग शांत है, हम लोग को मतलब नहीं है, तो लोग आजकल सोचते हैं कुछ भी करेंगे एंड दे विल गेट अवे विद इट। फिर हम अगर फटेंगे तो जाती है ना, क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि उंगली जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, ये अभी से नहीं कर रहे हैं, इनकी उंगली 2019-20 से देख रहे हैं। तो पॉइंट यही है कि यार सुधरना है नहीं इनको, फिर आके कोई कुछ बोल देता है, क्योंकि फट के हाथ में आ जाती है। कुछ लोगों को मोटल के बर्थडे के दिन चुतिया पकड़ना है। कोई नहीं, बोलूँगा पहली बात, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं एड्रेस करता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे 12 के क्रिएटर्स को उंगली करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रॉडकास्ट में क्या लिख रहे हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स अपने ट्विटर पे क्या लिख रहे हैं, आपके रिलेटिव्स ट्विटर पे क्या ट्वीट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन नाम लेके बजेंगे उस दिन जो ऑलरेडी ख़त्म हो, कुछ कोई देखता नहीं है, किसी को आपसे मतलब नहीं है, पूरा ख़त्म हो जाओगे। ये आज और कल वाले इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं, एक दूसरे इंसिडेंट से रिलेटेड है जो कभी ना कभी बाहर आएगा, और जो लोग को समझ में आ रहा है कि मैं ब्रॉडकास्ट की अगर बात कर रहा हूँ, अगर कोई रिलेट कर पा रहा है, आप समझोगे। है कुछ छोटे यूट्यूबर जो कंसिस्टेंटली बेफालतू तो उंगली कर रहे हैं, एंड देन द बिगर वंस वी एक्सपेक्ट बेटर, ठीक है। स्पेशली बिंग्स वाले मैटर में, पॉइंट इज बिंग्स को अगर आप बार बार उंगली करोगे तो भाई आपको रिएक्शन मिलेगा, सिंपल पॉइंट है। अगर आप ये भी कहना चाहते हो कि मैंने बिंग्स के लिए ट्वीट नहीं किया या देट वॉज नॉट फॉर बिंग्स एंड उड़ता तीर था, तो आप अपना कमेंट सेक्शन जाके उसी ट्वीट पे देख लो, आपको दिख जाएगा कि ऑडियंस भी क्या ही समझे, ठीक है। और तीसरी बात ये रही कि अगर कुछ क्रिएटर्स को लगता है, एक्चुअली मैं बहुत मल्टीपल चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सब चीज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिंग्स मैटर। बिंग्स मैटर में मुझे एक बात बोलना था, मैंने बोल दिया। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि आपको अपने लाइफ में यहाँ रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वहाँ रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और आपको लग रहा है कि देर इज़ सम पॉलिटिक्स और सम गेम जिसके वजह से आपको नहीं मिल रहा, तो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल, इसमें आपकी गलती है, ठीक है। तो अब सुधर जाओ, अपने ऑडियंस को मत भड़काओ, ठीक है। आप ऐसे 12 के क्रिएटर्स को टारगेट करोगे, ऐसे 12 के फीमेल क्रिएटर्स को टारगेट करोगे, तो किसी दिन नाम लेके बात करेंगे और फिर सब करेंगे, ठीक है। आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, मत करो हमें उंगली। हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते, बेफालतू क्यों हमारे पीछे पड़ो, राइट।